अभी 6 o'clock हुआ है और मैं 6 o'clock के स्कूल चली जाती हूँ। सो गाइस, आज 6 सितंबर है, ये शहीदों की याद में मनाया जाता है। मैं आपको वापस आकर फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज आई एम बैक। सो गाइज, कल मुझे होमवर्क मिला था कि हमने 4 ऐसे शहीदों के नाम जिनके नाम लिखे हैं जिनको निशाने हैदर मिला है, और मैंने उन 4 फौजियों के नाम लिखे हैं। ये देखें, पहले मैंने लिखे हैं मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के का नाम लिखा है, और वो उन्होंने 12 सितंबर 1925 को शहादत पाई थी। उसके बाद मैंने मेजर शबीर शरीफ शहीद का लिखा है, जिन्होंने 6 सितंबर 1971 को शहादत पाई थी। आगे मैंने मेजर चौधरी तौफील मोहम्मद शहीद का लिखा है, जिन्होंने 7 अगस्त 1958 को शहादत पाई थी। और फिर मैंने लिखा है मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, जिन्होंने 13 दिसंबर 1971 को शहादत पाई थी। सो गाइस, ये मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, जिन्होंने 13 दिसंबर 1971 को शहादत पाई थी, इनकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी। सो गाइस, ये हमारा कल का होमवर्क था, और अभी ये आज का हमारा क्लास वर्क था। हमने निशाने हैदर ड्रॉ करना था, ये मैंने ड्रॉ किया, और नीचे एक शेर भी लिखी है, और ऊपर मैंने लिखा है 6 सितंबर 1965 योम दिफा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, और यहाँ पे मैंने निशाने हैदर ड्रॉ किया। इसके नीचे मैंने एक शेर लिखा है, मैं अब उस शेर को पढ़ती हूँ। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परवाजों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की स्टोरी बताऊंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आज मैं जिक्र करना चाहूंगी पाकिस्तान के एक बहादुर और नडर फौजी का, जिन्होंने अपने मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर जाम शहादत नोश फरमाया, और इस अजीम कारनामे पर आपको निशाने हैदर से नवाजा गया। आप 1938 को गुजरात के एक अगर दुश्मन इस पर कब्जा कर लेता तो पूरे पाकिस्तान में फौजियों को सप्लाई देना मुश्किल हो जाता। हमारे फौजी दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बने रहे। मेजर अकरम जिस दस्ते की कमान कर रहे थे, पाकिस्तान के दुश्मन उनसे आधा किलोमीटर दूर थे। और दुश्मन की तरफ से पहला हमला उन पर किया गया। हमारे बहादुर फौजियों ने इसका भरपूर जवाब दिया, और दुश्मन पीछे
हटने पर मजबूर हो गया। इसी तरह दुश्मन ने चार हमले किए, लेकिन मेजर अकरम और उनकी टीम ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। दुश्मन के पास जदीद किस्म के हथियार और टैंक थे। हमारे फौजियों के हौसले बुलंद थे, ना ही वो घबराए ना पीछे हटे, बहादुरी से लड़ते रहे, शहादत नोश फरमा ली, लेकिन फतह अपने नाम कर ली। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। आज हमने कोई हल्ला गुला नहीं किया, हमने क्योंकि आज हमारे मुल्क के हम जो पाकिस्तान आर्मी के फौजी शहीद हुए थे, हमने उनके लिए नमाज पढ़ के दुआ मांगी है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। सो गाइस, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।